हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं जर्दा। ये 250 ग्राम चावल लिए हैं और 250 ग्राम चावल को मैंने 3-4 घंटे भिगोया है, तो देखिए कितने सारे हो गए हैं। एक गिलास चीनी ली है, 200 ग्राम मैंने खोया लिया है इसमें डालने के लिए मावा। ये मैंने स्ट्रॉबेरी ली है, बाजार में आसानी से मिल जाती है, देखिए मिक्स ले लीजिएगा आप, मीठी आती है ये। ये मैंने 6-7 ली है इलायची, 6-7 लौंगे ली हैं, हम बस यही डालेंगे इसमें फ्रेंड्स। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ हम जर्दा कैसे बनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, मैंने ये भगोना लिया है। सबसे पहले हम सारे चावल डाल देंगे इसमें। मैं इसमें 1 लीटर पानी डालूंगी। पहले हम चावलों को पहले बॉईल करेंगे। ये मैंने सारी लौंग इलायची डाली, हम बस यही डालेंगे इसमें। उसके अलावा हमारे पास है फूड कलर, मार्केट में आसानी से मिल जाता है फूड कलर, लेकिन हम फूड कलर अपने अंदाज से डालेंगे। जितना आपको रेड करना है आप उतना ही फूड कलर डालिएगा। इसको हम मिला के देखिए हमें कितना कलर चाहिए। मैंने फ्लेम खोल रखा है, फ्लेम मैंने ऑन कर रखा है फ्रेंड्स। अब हम इसको ऐसे ही बनाएंगे, इसको ढकेंगे नहीं, ऐसे ही बनाएंगे। मैं आपको 10 मिनट बाद दिखाती हूँ फ्रेंड्स। चावल हमारे हो गए हैं, मैंने फ्लेम ऑफ कर रही हूँ, हमें इतना ही उबालना है इनको। ये देखिए कलर कितना अच्छा आया है, 40% हम दम दे के गलाएंगे इनको। अब हम इन सारे चावलों को छान लेंगे, पानी इसका फेंक देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने छन्ने में छान लिए हैं, देखिए अब हमने ऐसे निकाल लिया है। अब हम इसके भगोना लेंगे, आप चाहे तो घी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा देसी घी डालना होता है, आप देसी घी में बना के ट्राई करिएगा। एक करछी डाल रही हूँ देसी घी की, एक और डालूँगी कि मैं 2 करछी देसी घी के डाल रही हूँ। ये 4-5 लौंगे डाल रही हूँ मैं फ्रेंड्स, और 4-5 ही मैं इसमें इलायची डाल रही हूँ। ये देखिए मैं चावल डाल रही हूँ, स्लो कर दीजिए बिल्कुल। आधी मैं इसमें चीनी डालूँगी। ये देखिए चावल डाल रही हूँ मैं। अब मैं फिर इसमें चीनी डाल दूँगी। देखिए फ्रेंड्स, खोल के देखते हैं हम हमारे चावल कितने गले। ये देखिए कितनी अच्छी रौनक आ रही है इसमें चावलों में, कितनी अच्छी शाइनिंग है। देखिए हमारी चीनी ने पानी छोड़ दिया है, ये आपको दिख रहा होगा पानी। ये सारी मिठाई भी डाल देते हैं, थोड़ी आधी डालेंगे, आधी हम ऊपर से डालेंगे। चीनी हमारी पानी छोड़ देती है सारा, तो उसमें आसानी से गल जाता है चावल। ये मैंने कपड़ा ढक दिया इसमें। अब इसको हम 5 मिनट तक और पकाते हैं, फिर हम देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम खोल के देखते हैं इसको, गल गया है बिल्कुल, और बाकी हम दम देंगे उसमें हो जाएगा। अब हम बाकी जो हमारी सारी मिठाई बची हुई थी हम सभी ऊपर से और डाल देंगे फ्रेंड्स। ये ऐसे ही मैं खोया डाल दूंगी सब। अब हम स्लो पे बिल्कुल 5 मिनट के लिए दम लगाएंगे इसमें। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जर्दा बन गया, अब हम खोल के देखते हैं। आप देख सकते हैं जर्दा बिल्कुल बन गया है। देखिए मावा जो है हमारा वो भी पिघल गया। अब मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ फ्रेंड्स आपको। एक प्लेट में हम साइड से निकालते रहेंगे ऐसे, ये देखिए। देखिए हमारा जर्दा बनके तैयार हो गया है। प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आया हो मेरा जर्दा, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। बाय।